हाँ, तो इसमें क्या सिंगुलर अपना वर्ब आ गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों नाउन आइडेंटिकल नहीं है लेकिन एक ही चीज में यूज होते हैं, है ना। तो सिंगुलर नाउन हो गया, इसमें स्लो एंड स्टडी, ये दोनों एक ही मीनिंग बता रहे हैं, मीनिंग लेकिन अलग अलग है ना। स्लो और स्टडी मतलब अलग होता है। तो इसका देखो इसमें क्या आया, विंस, तो ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर है, वही वो मीनिंग सिंगुलर है और दिखने में प्लूरल है, ऐसा है। विंस दिखने में प्लूरल है और मीनिंग सिंगुलर है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, यस लगाया है, तो देखो आई के बाद में यस लगाया है, तो ऐसे यस यस वाले जो है ना वो सिंगुलर हो जाते हैं, वो अगर वर्ब में लगाया तो। दोनों वर्ब ही है एक्चुअली, लेकिन ये क्या है, मेन वर्ब है और वो अपना हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वेन टू नाउन्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन मीनिंग, अब देखो आइडेंटिकल है, नहीं ये अलग है ना, ही और शी भी अलग हो गए सर, वो आदमी और औरत है। तो आर यूज इन सेंटेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस वी यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब देखो कैसे, द स्कीम एंड प्लान, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, स्कीम और प्लान, हाँ आइडेंटिकल इन मीनिंग। तो इसमें सिंगुलर ना वर्ब आ रहा है, वर्ब क्या है सिंगुलर यहाँ पे, ऑफ माई लाइफ डिवोर्स, ये रहा ना, ये सर ये सही है। व्हेन टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, दो नाउन का यूज कर रहा है, एक ही पर्सन या एक चीज के लिए, एक ही चीज के लिए, टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। द पोएट एंड पेंटर, अब देखो ये पोएट और पेंटर सेम है क्या, नहीं जो सेंटेंस ऊपर लिखा है ना उसमें ये नहीं बोला है उसमें कि आइडेंटिकल होना चाहिए, कुछ उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है सर। सर वो पोएट और पेंटर, पेंटर की जगह प्लम्बर भी होता तो कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि दोनों के लिए ये जो डाइड यूज किया गया है ये सेम है क्या। हाँ वो ये बोल रहा है कि डाइड जो वर्ड है दो नाउन कौन से भी रहो उनके लिए यूज किया गया है, बस ये बोल रहा है वो। तो यहाँ पे जो है वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आ जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब है ना, हैज सिंगुलर है, ठीक है। उसमें ये पोएट और पेंटर का कोई मतलब नहीं है, वो बोल रहा है ये दोनों के लिए डाइड वर्ड यूज किया है क्या, तो हाँ यूज किया है दोनों के लिए, डाइड दोनों मर गए, बस ये बता रहा। तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा। प्लीज नोट इन सच केस आर्टिकल इज यूज विद द फर्स्ट नाउन ओनली, देख लो आर्टिकल सिर्फ एक ही के साथ यूज हुआ है, देख लो द पोएट, इसके साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए यूज किया गया है डाइड, इसलिए।
अगर दोनों के लिए अलग अलग कुछ यूज करते वर्ब, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे दद आ जाता था। इसके पहले भी एक एग्जांपल लिया, आप पढ़ोगे ना मिल जाएगा आपको। वेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली, ये सब कंजक्शन में था, ठीक है। बट ऑल्सो द, मतलब देखो आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ये सब वर्ड्स से हम दो सब्जेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। विच इज द क्लोजेस्ट टू द वर्ब डिटरमाइंस वेदर द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। तो देखो ये जो है ना वर्ब के पास चिपके हुए रहेंगे और उससे हमको पता चलेगा कि वो सिंगुलर है प्लूरल है। यूजली प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द वर्ब। देखो अभी वो उसमें बता रहा है कि स्पेसिफिक बता रहा है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो वर्ब के पास में होगा, ठीक है। इट मीन्स इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल तो द प्लूरल सब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड नियर द वर्ब, है ना। समझ लो कोई एक सिंगुलर क्या है अपना सब्जेक्ट, ठीक है, और एक दूसरा जो है ना जैसे पोएट और पेंटर्स, तो पेंटर्स को कौन चिपकेगा, वर्ब चिपकेगा अगर प्लूरल है तो जो ही प्लूरल होगा उसको वर्ब चिपक जाएगा, सही है। द वर्ब विल बी प्लूरल हो जाएगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट के पास में जाएगा तो प्लूरल ही होना पड़ेगा ना, ठीक है। और ये वाली क्या करनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द, वही है। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, प्रिंसिपल क्या है सिंगुलर, टीचर्स है ना, तो देखो इसके पास देखो वर्ब चिपक गया तो वो क्या हो गया प्लूरल हो गया, ठीक है। रमेश और फ्रेंड्स आ गया तो इसका देखो चिपका गया हैव क्या है प्लूरल वर्ब, ठीक है, सही है ना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस पढ़ना है दो तीन बार आ जाएगा। वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नन ऑफ ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन, देखो अगर ये वर्ड्स आ गए तो यहाँ पे नाउन जो रहेगा प्लूरल रहेगा। नाउन पता है ना क्या है, थिंग पर्सन कंट्री प्लेस ऑफ नेम एंड सिंगुलर वर्ब, देखो क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा इसके, प्लूरल नाउन आ जाएगा और सिंगुलर वर्ब होगा, ये देखो यही थोड़ा ट्रिकी है, नाउन प्लूरल हो जाएगा सॉरी हाँ और सिंगुलर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा अकेला, हाँ ये सब आ गए, ये सब आ गए। नोट द कंस्ट्रक्शन, देखो ये ऐसी चेन बनेगी, पहले क्या आएगा वन ऑफ नन ऑफ आइदर ऑफ, इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा प्लूरल नाउन और फिर प्लूरल सिंगुलर वर्ब। देखो वन ऑफ का यूज हो गया तो यहाँ पे प्लूरल नाउन कौन सा है, फ्रेंड्स प्लूरल नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब क्या है, नहीं सर नीड्स, सर दोनों है ना, दोनों है, दोनों है बोला वर्ब, हाँ तो लेकिन यहाँ पे ये चिपका हुआ है सर, चिपका हुआ बोला था ना उसने, नहीं सर सिंगुलर हो गया ना यहाँ वर्ब, प्लूरल प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, मैंने बोला ना एस लग जाएगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, दिखता प्लूरल है लेकिन मीनिंग सिंगुलर है। नन ऑफ आ गया तो यहाँ पे ये दोस्त जो हो गया ना वो नाउन हो गया, प्रोनाउन नाउन और प्लूरल है, प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो क्या होता दोस्त की जगह पे, दिस। और अपना वर्ब इज, देखो है ना, ठीक है ना, ये देखो थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा है मतलब मेरा है मैं जोक मारा भी बोला टेढ़ा है, बट मेरा जो टेढ़ा है तो मतलब वो दिखा रहा है कि सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। सम नाउन्स अनकाउंटेबल इन नेचर, ये हुआ था ना नाउन्स में काउंटेबल अनकाउंटेबल हुआ था जिसको गिन सकते हैं जिसको नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल है, इसको अपन गिन नहीं सकते, तो फर्नीचर को गिन सकते हो क्या, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क गिन, वैसे गिन सकते हैं एक्चुअली फिजिक्स को अप्लाई करें केमिस्ट्री तो, लेकिन कैसा है वैसे नॉलेज को भी नहीं गिन सकते, लेकिन सर ऐसा नहीं लग रहा लगेज को गिना जा सकता है, लेकिन वो लगेज का क्या बता रहा है कि लगेज वर्ड से हम नहीं गिन सकते, अगर मैं यूज कर रहा हूँ कि देयर आर लगेज तो लेकिन ऐसे इस वर्ड से नहीं गिन सकते, मतलब अपन ऐसा ऐसे नहीं बोलते सर लगेज, अपन फिर बोलते बैग, अब बोलते हैं कि थ्री बैग्स आर देयर, लेकिन आप बोले लगेज वहाँ, तो लगेज वर्ड से समझ में नहीं आ रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है, गिनना कोई बड़ी बात नहीं है लगेज, लेकिन वो लगेज वर्ड से हम नहीं समझ सकते, है ना, आपको समझ रहा है।
फर्नीचर से हम नहीं समझ सकते, फर्नीचर वर्ड से कितने फर्नीचर रखे हैं, थ्री सोफा टू चेयर, ऐसा नहीं, फर्नीचर अगर वर्ड बोल रहा हूँ हमें नहीं समझ में आ रहा कितने, वैसा है ना, कन्फ्यूजन आया होगा ना कि इसको गिन सकते हैं, आया होगा ना मन में कि नहीं आया फर्नीचर से नहीं आएगा फिर भी, लेकिन अपन को वो काउंटेबल अनकाउंटेबल का मतलब क्या गिनना है यहाँ, ठीक है, बिहेवियर नहीं कर सकते ना, सीनरी सीनरी नहीं, सीनरी मतलब कैसा है, वहाँ पे नदी होगी, पहाड़ होंगे, अब कितने क्या है हमको क्या मालूम, ट्रैफिक, फ्रूट, फ्रूट क्यों बोल रहा है सर, पता समझ रहे, फ्रूट गिन सकते हैं ना, नहीं नहीं सर वैसा नहीं, फ्रूट मतलब कि वो अब जैसे एक साथ रखे इतने सारे, तो अपन क्या है, अपन तो सिर्फ तीन चार लेते हैं सर, एक आधा किलो जो भी कुछ ऐसे लेते हैं, तो लेकिन तुम पूरे गिनते बैठोगे क्या, नहीं ना, इसलिए फ्रूट है, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस, ठीक है ना, तो ये वर्ड याद रखना सर, याद रखना, कांट बी प्लुरलाइज बाय एडिंग एस, देखो इनको हम प्लुरलाइज नहीं कर सकते एस से, प्लूरल नहीं कर सकते, मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं, फ्रूट वर्ड से ही कई सारे फ्रूट आ गए, हम वो तो गलत यूज करते हैं ना, वही बताने जा रहा है, फ्रूट्स जो है ना, हम फ्रूट वर्ड भी बोले ना तो पूरे फ्रूट है, ऐसा बोलना जा रहा है, ठीक है, आप सब में एस लगाओगे ना, कहीं नहीं सुना होगा आपने, तो वही गलत है ना सर, फर्नीचर ही में ही, फर्नीचर में ही हम सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा बोलते अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ये सब वर्ड है मतलब सिंगुलर वर्ब, देखो वर्क इज वर्शिप है सिंगुलर वर्ब, इज यहाँ पे भी इज, विथ कलेक्टिव नाउन्स लाइक टीम, फैमिली, ज्यूरी, क्राउड, कलेक्टिव नाउन्स मतलब कि ये कलेक्शन है किसी चीज का, तो टीम है ना कलेक्शन, किसका कलेक्शन है, टीम प्लेयर्स का, फैमिली मेंबर्स का, ज्यूरी जजेस का, क्राउड लोगों का, क्लास बच्चों का, कमेटी मेंबर्स का, आर्मी सोल्जर्स का, असेंबली पॉलिटिशियंस का, फ्लीट सर, फ्लीट ये सेना से है ना रिलेटेड, फ्लीट एयर फ्लीट, हाँ सर ऐसे फ्लीट बोलते हैं सर, नहीं सर है लगता फ्लीट उसी से, आप सर्च करना ऐसा शायद मुझे लगता है यूज़ होता होगा फ्लीट, हाँ एयरफोर्स में होगा, मेजोरिटी मॉब, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल, स्टाफ, ठीक है ना, तो द वर्ब यूज्ड कैन बी यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, नहीं समझे नहीं आप, दोनों यूज कर सकते बोल रहा है हाँ वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके ऊपर है आप, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों, इफ द कलेक्टिव नाउन फंक्शन एज ए यूनिट, मतलब बता रहा है अभी स्पेसिफिक कैसे, कलेक्टिव नाउन को अगर हम एक एक जोड़ रहे हैं, मतलब तीन जज बैठे हैं तो उसको अगर एक बता रहे तो हम क्या करेंगे वहां पे, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, सही है ना, सही है, सही कर रहा है वो, बट इफ द कलेक्टिव नाउन्स फंक्शंस डिवाइडेडली, मतलब अगर बोल रहा है तीन जज है, दो जज ने अलग यस दिया और एक जज ने नो दिया, तो फिर हम वहां पे प्लूरल कर देंगे, और नॉट इन यूनिसन द वर्ब विल बी प्लूरल, तीन जज बैठे हैं, तीन जजों का अभी तो हम एक बता रहे थे, हाँ तीनों ने एक डिसीजन दिया, तो उसमें वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और अगर दो का अलग कर दिया, एक अलग कर दिया, तो प्लूरल हो जाएगा वर्ब, द पार्लियामेंट हैज पास द बिल, तो इसमें क्या किया है, सिंगुलर, ठीक है, हाँ यहाँ पार्लियामेंट बोला ना सर, ये नहीं बोला कि पार्लियामेंट में नहीं किया, जो क्या बोलते विपक्ष वाले ने अलग दिया, पक्ष वाले ने, मतलब सेम ने, सबने सेम पास कर दिया, देखो सबने पास कर दिया है ना, अगला सिंगुलर यूज किया, यहाँ प्लूरल का एक भी एग्जांपल नहीं दे रहा है, ठीक है, सम नाउन्स एंड इन यस होते हैं यस में, कौन सा हो सकता है, चेयर्स होता है क्या, डोर है, टेबल्स लुक लाइक प्लूरल है ना, अगर एस से एंड हो रहा है तो क्या लुक लाइक, दिखते कैसे प्लूरल जैसे, बट एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग, अभी तक मैंने एग्जांपल भी दिए गए ना इसके पहले, मीनिंग सिंगुलर थे लेकिन दिखने में
एक सिंगुलर वर्ब, इनके साथ में सर क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो दिखते हैं इसके साथ में प्लूरल है लेकिन मीनिंग उसका सिंगुलर है। ये अपने को वो वर्ड्स देता है, वो इतने पूरे जितने नोट्स बने हैं ना उसको सब में दिया है, और नाउन के इसमें ज़्यादा दिया है अच्छे से, नाउन का जो चैप्टर था। सर्च कॉमनली नाउन्स कौन से देखो, ये आ चुका है वैसे, ये हो चुका है, फिजिक्स हो चुका है, मैथमेटिक्स हुआ था याद अगर होगा तो, फिजिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स न्यूज़ गैलो, ये हमको लगते हैं क्या लगते हैं प्लूरल है लेकिन सिंगुलर ही है, सिंगुलर है ये सब, ठीक है। ये तो है ना, ये दोनों बीमारियां हैं, ये और ये बीमारी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर है, ये प्लूरल दिख रहा है मीनिंग में लेकिन है कैसा, नहीं मीनिंग में क्या है ये न्यूज़ का मीनिंग क्या हुआ? सर सिंगुलर है मीनिंग, सर दिखता प्लूरल है लेकिन सिंगुलर मीनिंग सिंगुलर है, तो उसमें देखो सिंगुलर मीनिंग है तो मीनिंग सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, आ गया ना सिंगुलर, यूज आ गया। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है इनका, सिंगुलर है मीनिंग, दिखते प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन डिनोटिंग क्वांटिटी और मेजरमेंट ऑफ प्लूरल नाउन, सिंगुलर नहीं, प्लूरल नाउन डिनोटिंग क्वांटिटी मेजरमेंट टाइम मनी डिस्टेंस वेट एज ए यूनिट, तो उसके साथ में क्या आएगा सिंगुलर वर्ब। देखो कन्फ्यूजन कैसा है, अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि जो सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में क्या आएगा सिंगुलर वर्ब, लेकिन अभी देखो क्या बोल रहा है, अगर प्लूरल नाउन है और वो क्वांटिटी मेजरमेंट टाइम डिस्टेंस ऐसे कुछ दिखा रहा है यूनिट में, यूनिट है ना, तो उसमें देखो फिर वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेना। यहाँ देखो यहाँ पे 5 किलोग्राम्स है, प्लूरल है ना, प्लूरल है, प्लूरल है ना, 1 किलोग्राम्स हो सकता था क्या, 1 किलोग्राम्स 1 किलोग्राम होता था ना, अरे नहीं सर वहाँ पे ऐसे नहीं लगता था ना, 1 kg लगता था सिर्फ, तो यहाँ 5 किलोग्राम्स, तो भी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, हाँ क्या बोले, नहीं तो उसमें वेट क्या है, तुम तो सिर्फ हेवी वेट बोल रहे हो, वेट क्या है, 5 वेट 5 किलो वेट 3 किलो वेट, ये देखो ना यहाँ पे वेट्स है ना, है क्या, नहीं ये वेट वेट वर्ड की बात नहीं कर रहा है वो, अच्छा ये देखो यहाँ पे किलोग्राम लिखा है तो ऊपर किलोग्राम लिखा है क्या, बस खत्म, मतलब यूनिट का नाम चाहिए उसको, और कौन सा एग्जांपल ले सकते केजी के अलावा, वेट में बताना, उसमें वो ये डब्ल्यूडी देखा, डब्ल्यूडी नहीं डब्ल्यूडी देखा, तो उसमें वो क्या बोलता है 120 pounds है ना, उनका वो केजी नहीं बोलता है, ही इज कमिंग फ्रॉम द कैलिफोर्निया अंडरटेकर 125 pound केजी, नहीं केजी नहीं 120 pound बोलता है, तो LLB लिखता है शायद वहाँ पे ना, LLB लिखता है ना, क्या बोले, हाँ मीन फुल फॉर्म होगा ना, नहीं उसको पाउंड्स बोलते हैं क्या, सर पाउंड्स तो वो करेंसी भी है, हाँ? नहीं कनाडा नहीं, ये यूरोप में है पाउंड्स है ना, सम नाउन्स अपीयर सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग, देखो दिखते सिंगुलर है लेकिन मीनिंग प्लूरल है, ये वाला नाउन का वैसे हो चुका है लेकिन यहाँ पे नाउन और वर्ब का रिलेशन के ऊपर अलग से चैप्टर है, ये सब हो चुके ही है नाउन में, लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्टली स्पेसिफिक वर्ब और उसका रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो पूरे टाइप ले रहा है, ठीक है। तो ये देखो मीनिंग क्या है, सिंगुलर, और दिखता कैसा है प्लूरल, तो ये देखो कौन से, डजन, डजन का मतलब क्या होता है, कितने होते हैं, बहुत नहीं सर बहुत हो रहा है, ठीक है 12, तो देखो मीनिंग में पता चल रहा है कि वो प्लूरल है लेकिन देखो दिखता कैसा है सिंगुलर, क्योंकि एस नहीं लगाया सर, हंड्रेड, हंड्रेड में कितने 100 आ गए, 100 लोग, तो काय का वो सिंगुलर रह गया, ठीक है ना, मिलियन कैटल पीपल स्कोर थाउजेंड जेंट्री पुलिस पीजेंट्री सब, ये मीनिंग में प्लूरल है, मीनिंग इनका प्लूरल है लेकिन दिखने में सिंगुलर है, हाँ तो इसलिए देखो ना आर लगा ना, देखो वर्ब क्या लगा आर, या वर है प्लूरल है सब, हेल्पिंग वर्ब, कैटल मतलब वो वही
नहीं, वो गैया वाले ही है। समटाइम्स अ वर्ड दैट इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव। देखो एक वर्ड है वो कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली वो दिखता नहीं लेकिन रहता क्या है, एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन। समझ रहे हो, एडजेक्टिव को नाउन के जैसे यूज कर रहे हैं। एडजेक्टिव पता है ना क्या होता है, वही सेम आंसर में देना है। क्या बोले? वैसे क्रिया क्रिया ही बोलते हो। हाँ, लेकिन जो नहीं, क्रिया नहीं सर, यहाँ पे गलत आंसर, वो एडवर्ब बता रहे हैं आप सर, जो विशेषता बताया, सर जो विशेषता बताया, लेकिन आप जो क्रिया क्रिया कर रहे हैं ना, वो एडवर्ब हो गया सर, एडवर्ब वो क्रिया की विशेषता बता रहे, तो एडवर्ब हो गया। हमेशा आंसर सर का क्रिया और कुछ आंसर नहीं। नहीं, आपके लिए सही है, जब तक आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा ना, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। हाँ, वैसे वहां ये नहीं, कोई नहीं पूछ रहा आपको कि ये क्या है वो क्या है, लेकिन देखिए मीनिंग अगर समझेगा आपको खुद को, तो तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे ना। तो देखो समझ गए ना, एडजेक्टिव को हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, नाउन की जैसे। तो अभी देखो, अभी जो एग्जाम्पल आएगा, सेंटेंस आएगा, तो उसमें आपको पता तो होना चाहिए वो एडजेक्टिव है, तभी तो आप उसको बोलोगे ये नाउन की जैसे कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर अभी देखो आपके मन में पता है मीनिंग क्या चल रहा था, क्रिया की विशेषता, लेकिन गलत हो गया ना, वैसा नहीं है ना, नहीं है वैसा, ये सिर्फ विशेषता है, वो किसकी भी हो सकती है, किसकी विशेषता हो सकती है, वो एक नॉर्मल टर्म है एडजेक्टिव। इट इज प्रेसिडेड बाय द आएगा, ठीक है, उसके पास में, एंड मींस पीपल, मतलब द अगर लग गया मतलब उसका मतलब हो गया वो पीपल है, ठीक है। अभी आपको समझ गया नहीं, मैं बताता हूँ, द पुअर अगर है तो पुअर पुअर बोल रहा तो क्या हुआ, कुत्ता तो पुअर नहीं हो सकता ना, रैबिट पुअर नहीं हो सकता, बिल्ली पुअर नहीं हो सकती है। इंसान को ही बोलते हैं, हो सकते हैं पुअर वो भी, लेकिन मतलब भूखे होंगे तो पुअर बोल दिया हमने, वेरी पुअर, है ना। लेकिन क्या है, पुअर हमेशा इंसानों के लिए यूज होता है। तो देखो उसको अब इंसान दिखाना है, पुअर वर्ड को, पुअर इंसान नहीं होता है एक्चुअली, वो वर्ड पुअर का इंसान होता है क्या, तो उसको दिखाने के लिए द लगा रहे, उसको दिखाने, इंसान दिखाने के क्या लगा रहे, द लगा रहे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, पीपल हु आर पुअर, द ओल्ड लगा रहे, मतलब पीपल हु आर ओल्ड, द यंग लगा रहे मतलब पीपल हु आर यंग, है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो पुअर को हम क्या यूज कर रहे हैं, एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, एडजेक्टिव। जैसे आई एम अ पुअर पर्सन, तो पर्सन क्या हो गया, नहीं मतलब वो नाउन जैसा ही हो गया ना पर्सन, लेकिन पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मतलब वो विशेषता बता रहा है मेरी, ठीक है ना। मैं पर्सन तो हूं लेकिन पुअर हूं, तो वैसा, तो यहाँ पे पुअर, अब वो कितने भी हो सकते हैं, पुअर पुअर तो कितने भी हो सकते हैं ना सर, हमको क्या मालूम। तो फिर आर लग गया, एक पर्सन तो नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, एक पर्सन। द रिच, रिच भी देखो कितने, हमें क्या मालूम, तो आर लग गया, मतलब प्लूरल वर्ब आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कहीं लिखा है मतलब प्लूरल वर्ब, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है। और ये चीज भी अच्छी है, एडजेक्टिव एज ए नाउन वाली, ये सब एडजेक्टिव है, रिच होना एडजेक्टिव है, पुअर होना एडजेक्टिव है ना। आई एम स्किल्ड, मतलब मैं स्किल्ड वर्कर हूं, तो मेरा वो स्किल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यूजुअली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इन सेंटेंसेस शोइंग एरिथमेटिकल कैलकुलेशन। सिंगुलर वर्ब है, यूज हो रहा है सेंटेंस में, और वो क्या दिखा रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऑल्सो नॉट यूज फोर एंड फोर, क्या हो गया, फोर एंड फोर एट। नहीं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज किया है दोनों, और यहाँ पे आंसर भी दे रहा है उसका एट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला था, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब क्या आ गया यहाँ पे, देखो फोर एंड फोर आर एट, इसमें फर्क क्या दिख रहा है आपको दोनों में, क्यों आया, लेकिन उसका एक्सप्लेन देखो, 5 and 5 इज 10 इज राइट, बट डोंट जंप टू द कंक्लूजन दैट द 5 and 5 are 10। मतलब उसका बोलने का मतलब है, 2 और 2, नहीं, सॉरी 1 मिनट, हाँ वो वाला एग्जाम्पल, 1 और 1, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, 11। वही वो मीनिंग पता है, नॉर्मन लेविस जो है ना एक लेखक है, तो वो ऐसे फ्रेज देता था, समझ रहे हो। तो देखो 5 and 5 क्या बोल दिया, रॉन्ग हो गया, आप डायरेक्टली उस कंक्लूजन पे नहीं कूद सकते,
आप डायरेक्टली वो 5 और 5 5 ही हो, 10 ही होगा, ये जरूरी नहीं है 55 भी तो हो सकता है। हो सकता है ना सर? हो नहीं सर, हो सकता है, हो सकता है। अगर 55 लोगों को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोल दूंगा 5 और 5 55, है ना? तो फिर क्या है, ये रॉन्ग हो सकता है। तो बोथ वर्ब्स आर इक्वली एक्सेप्टेंस, मतलब नॉर्मल लेविस बोलता है कि दोनों जो वर्ब है आर, देखो 55 अगर आ गया आंसर तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 में तो आर हो जाएंगे ना सर, बहुत ज्यादा हो गए ना वो लोग, और 5 और 5 जो एकदम बता रहे हैं तो सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा है। तो नॉर्मल लेविस क्या हो रहा है, दोनों सही है। तो यहां से पता है नो एरर आ जाएगा, वहां पे क्वेश्चन में वहां एरर वहां अगर आ गया तो नो एरर आ जाएगा फिर, क्योंकि दोनों सही बता रहा है ना, है ना? अगर इज लगा दिया और एक अगला क्वेश्चन उसमें आर लगा दिया तो आप बोलेंगे अरे नहीं इसमें तो, इसमें आर कर दो, इसमें इसमें इज कर दो तो दोनों सही होंगे ना। नहीं, तो वही बोल रहा है ना, 4 4 8 है, 4 4, मैं तो एग्जाम्पल दिया 44 का, 44 बोलना चाह रहे हैं ना आप, दोनों में बोल रहा है आर और इज सेम है, सही है बोल रहा, सही है, सही है। नहीं, देखो दो मैंने एग्जांपल दिए, 44 भी अगर आ रहा है ठीक है ना, तो मैं परफेक्ट बता रहा हूँ कि आर लिखना ठीक है, और दोनों का अगर सेम आंसर आ रहा है तो भी इज और आर दोनों सेम है। ये देखो इसमें देखो सेम सेंटेंस है, तो इसमें चेंजेस क्या किए है, वर्ब वर्ब चेंज करना है ना वर्ब, तो पहले वाला क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? अरे कहाँ सर, सिंगुलर है ना सर, दूसरा प्लूरल है। अभी तक तो पूरी राम कहानी पड़ी तो ये समझ नहीं आ रही। सर तो मैं अभी सर, सर वो तो लेट आया है और तुम तो अभी से बैठे, तो कितने सारे एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, एस जो लगे वो सिंगुलर आपने बोल रहे थे ना, वो आप कंफ्यूज हो गए, कुछ को कुछ सिंगुलर थे उनका मीनिंग प्लूरल था, कुछ प्लूरल थे दिखने में लेकिन सिंगुलर मीनिंग था, ऐसा नहीं है, वो वहां पे नाम लिखे हुए वैसे वाले ठीक है। ईच एंड एवरी टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, ईच एंड एवरी टेक सिंगुलर नाउन, यहाँ पे मतलब अगर ये दोनों आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना, ईच ईच ऑफ यू ठीक है, तो ईच यहाँ पे यूज किया, तो नाउन को कौन से नाउन, मैंने ईच किया तो नाउन कौन सा है, क्या एस, कहाँ एस, ये नाउन थोड़ी ना है, नाउन कौन सा है, नाउन बताओ, नाउन ही नहीं मालूम। नाउन कौन सा है यहाँ पे, हाँ नाउन यहाँ पे बॉय और गर्ल ठीक है, तो फंक्शन को बोल सकते हैं ठीक है, तो नाउन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है क्या, और सिंगुलर वर्ब हैज, यहाँ पे एवरी यूज किया तो यहाँ पे नाउन, नाउन और वर्ब सिंगुलर ठीक है ना, वेन टू नाउन्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय बिसाइड, बिसाइड हुआ था याद करो, हुआ था ठीक है ना, अगर दो नाउन को हम ज्वाइन कर रहे हैं बिसाइड वर्ड से, एज वेल एज ठीक है, एंड नॉट इन एडिशन टू लाइक विथ टुगेदर विथ इंक्लूडिंग अकोमोडेट बाय ठीक है, तो द वर्ब इज गवर्न बाय द फॉर्मर नाउन, मतलब जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब होगा, तो यहाँ नाउन कैसा है, यहाँ पे नाउन कैसे है? तुम बस नाउन बताओ क्या है, क्या है, फ्रेंड्स तो सिंगुलर नहीं है ना सर, तो यहाँ पे क्या है? नहीं फ्रेंड्स भी है ना अपना नाउन, फ्रेंड्स भी नाउन है, तो ये है प्लूरल,
यह सिंगुलर, तो हम सिंगुलर का क्या लेंगे, सिंगुलर का क्या लेंगे, सिंगुलर के हिसाब से हम वर्ब लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जांपल में अरे बताओ। हाँ और सर नाउन दूसरा कौन सा है, तो वो क्या है, प्लूरल है ना वो, तो हम लेकिन तो भी हाउस का लेंगे, ठीक है। यहाँ द क्यों लगा, इसके पहले गया था ना वो द, एक एक इसमें द लगना चाहिए, ठीक है। इफ इन अ सेंटेंस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव याद है ना, टू जेरन, वो याद नहीं होगा, पढ़ना सर अच्छे से, ठीक है। जेरन फ्रेज और अ क्लॉज फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट, देखो इतने सारे जो है ना, इतने सारे जो वर्ड है ये सब फंक्शन कैसे कर रहे हैं, सब्जेक्ट दिखाएंगे खुद को, ठीक है। तो यूज हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब। स्विमिंग मैं याद दिला दूं, वो नहीं था वेटिंग फॉर अ ट्रेन, ब्रिक फॉल ऑन माई फीट, है ना। तो वहां पे देखो सेंटेंस देखो चालू हो रहे थे, सब काज चालू हो रहे थे, वर्ब से चालू हो रहे थे, तो उसको जेरंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्विमिंग चालू हो रहा है, तो फिर उसमें हम अब वो जेरंड है, जेरंड के जरिए यूज हो रहा है, तो आप जेरंड पढ़ना अच्छे से तो समझेगा। तो इसलिए हमने क्या यूज किया, वर्ब सिंगुलर यूज किया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या क्या यूज हुआ है यहाँ पे, नहीं इनमें से, हाँ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यूज हुआ है इसलिए इज, ठीक है। इफ अ फ्रेज कंटेन्स नंबर्स ऑफ लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रपोर्शन ऑफ, नन ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, टू थर्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, मच ऑफ, मेनी ऑफ, गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, हिप ऑफ, इतने सारे वर्ड अगर यूज कर रहे हैं फ्रेज में, तो इज फॉलोड बाय अ काउंटेबल नाउन, मतलब उसको गिना जा सकता है, जो भी नाउन यूज होगा इसके बाद में उसको गिना जा सकता है, इट विल बी प्लूरल, ठीक है। क्या होगा वो नाउन, प्लूरल होगा। अब जब गिना जा सकता है मतलब एक से ज्यादा ही बोल रहा है ना, एंड द वर्ब विल बी यूज ऑल्सो बी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल रहेगा, नाउन भी प्लूरल रहेगा, ठीक है। इफ द नाउन फॉलोड इज अनकाउंटेबल, अगर वो इसके बाद में नाउन होता है जो अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नहीं जा सकता, तो फिर वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जिसको गिना जा सकता है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। जिसको गिना नहीं जा सकता वो सिंगुलर। यहां बताओ मोस्ट ऑफ आ गया वर्ड, ठीक है। पर्संस क्या है, प्लूरल, तो यहां वर्ब क्या है, यहां पे प्लूरल, तो ये भी यहां पे तो सिंगुलर, यहां पे इजी है ना। हेयर इज यूज्ड इन सिंगुलर, हेयर को हम कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर, एंड यूजुअली टेक्स सिंगुलर वर्ब। हेयर के साथ हम कौन सा वर्ड लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। बट इफ हेयर इज यूज एज अ काउंटेबल, अगर हम बोल रहे हैं कि गांधी जी के सर पे जो वो है ना, गांधी जी गए वो वहां पे सलून में, तो वो बोले कि मेरे बाल काट, अब वो बोल रहा है कि कहाँ है बाल, दिख नहीं रहे, तीन बाल है, तीन बाल को काट बोलता है, तो तीन बाल काउंटेबल हो गया अभी यहाँ पे, है कि नहीं। तो यूज प्लूरल वर्ब, ठीक है ना, यहाँ प्लूरल वर्ब यूज होगा। हिज हेयर इज ब्लैक, तो यहाँ दोनों सिंगुलर है, हेयर और इज, इज ब्लैक कहाँ चलेगा, यहाँ पे देखो फाइव ईयर्स आ गया, देखो आ गया फाइव ईयर्स, तो यहाँ पे क्या आ गया फिर आर, ठीक है। When used in sentence, the title of the book, place, poem, movies and so on are singular. अगर ये सब use होंगे तो क्या होंगे, singular होंगे, ठीक है। And so take singular verb. ये देखो इसमें क्या singular है, इसमें से कोई word use हुआ है क्या, इसमें नहीं सर, सर सर नॉवेल यूज हुआ है ना, अरे सिंगुलर वर्ब तो उसी हिसाब से लिया है ना सर, यहाँ पे अगर बुक्स भी होता ना, यहाँ पोएम्स भी होता, मूवीज भी होता, तो भी इजी आता था, वही तो बोल रहा है। यहाँ जो वर्ड हमको ढूंढना है वो नॉवेल है, हा? क्या बोले, तो वो क्या मिड साइड से क्या करना,
अरे सर ये क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन में काय का मिस नाइट आ गया है। नॉवेल है, नॉवेल, वो यहाँ से जो वर्ड ढूंढने बोल रहा हूँ नॉवेल है सर। सर नॉवेल्स, नॉवेल पढ़ो सही। ऊपर क्या लिखा है? बुक्स चाहिए, प्लेस चाहिए। प्लेस क्या होता है? नाटक, पोएम्स, मूवीज। तो इससे क्या मिड नाइट मिल रहा है? इससे तो यही मिल रहा है ना नॉवेल। इसके जगह नॉवेल की जगह अगर मूवीज होता, पोएम्स होता, तो भी क्या आता है यहाँ पे? वो बोलना चाह रहा है, समझे? नहीं समझे? सम नाउन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में कंसिस्ट है, ठीक है? टेक प्लूरल वर्ब आ जाएगा। अगर दो पार्ट में है नाउन तो प्लूरल वर्ब। सच कॉमनली यूज्ड नाउन्स आर, ये कौन से बनते हैं? सीजर, पेंट, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल, टॉम्स, बाइनोकुलर, ट्राउजर, बीचेस, शूज, स्केल्स, ग्लासेस, गॉगल्स, ठीक है ना? ये वर्ड्स आ गए। देखो शूज आ गया, तो क्या आ गया यहाँ पे? प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब आ गया यहाँ। सही है, ये वर्ड्स होने चाहिए लेके। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, रटना पड़ेगा ये वर्ड्स। सीजर्स आ गया, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब, सही है? इफ अ पेयर इज यूज, अभी तक इसके पहले क्या यूज हुआ था? ऐसे ही एक राइमिंग वर्ड यूज हुआ था, क्या था वो? राइमिंग वर्ड समझते हैं ना, राइमिंग। तो ऐसे ही कुछ एक वर्ड यूज हुआ था अभी जस्ट, कौन सा था वो? हेयर, ठीक है ना? तो ये पेयर, हेयर यूज हुआ था ना अभी, राइमिंग वर्ड हुआ ना सर, हेयर पेयर नहीं हुआ राइमिंग वर्ड। तो अगर हेयर यूज कर रहे हैं विद सच नाउन्स, तो द वर्ब इज यूज सिंगुलर। देखो ओनली अ पेयर, पेयर यूज हुआ तो सिंगुलर है वर्ब, पेयर यूज हुआ तो यहाँ पे सिंगुलर। समझ रहे हो? ये वर्ड्स आप देख लिए, आपको मिल गए क्वेश्चन में, समझ लो गलती वहीं दिखाने वाला है। वो पेयर अगर आ गया, हेयर आ गया, तो वो वर्ब में ही गलती करेगा, मतलब मैक्सिमम। और भी गलती कर सकता है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, डिटेल में पढ़ना इतना सही है ना। है? क्या बोले? नहीं समझा क्या? अच्छा, द वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देयर, देयर के बाद में क्या यूज हो रहा है? वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर यूज होगा तो क्या होगा? वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। डिपेंड्स किस पे करेगा? अपॉन द सब्जेक्ट फॉलो, मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल या सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर या प्लूरल होगा, और आउट देयर के बाद में वर्ब का यूज होना चाहिए उस सेंटेंस में, ये कंडीशन है। समझ रहे हो? सब्जेक्ट जो है वो या तो प्लूरल या सिंगुलर होना चाहिए, और वो जो वर्ब होगा वो देयर के बाद भी यूज होना चाहिए, तब वो उसके हिसाब से सिंगुलर प्लूरल। अगर उससे पहले यूज हो रहा है तो वो फिर उसके हिसाब से डिसाइड नहीं किया जाएगा, किसके? सब्जेक्ट के हिसाब से। इफ इट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, कौन? सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। देयर इज अस गर्ल इन द रूम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, गर्ल सब्जेक्ट है, और नहीं ऑब्जेक्ट पे जाना ही नहीं है, तो यहाँ पे गर्ल सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा यहाँ पे, प्लूरल क्या है? सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। सम सेंटेंसेस हैव फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, सिंगुलर, पहले सिंगुलर नाउन आएगा सेंटेंस में, ठीक है? उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद में आएगा सिंगुलर नाउन फिर से, और फिर क्या आएगा? बीच में कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स आएंगे, और फिर आएगा सिंगुलर वर्ब। ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। देखो तो यहाँ पे यूज सिंगुलर वर्ब इन सच कंस्ट्रक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बनने के लिए, ऐसा कंस्ट्रक्शन बनने के लिए, है कि नहीं? सिंगुलर वर्ब है क्या यहाँ पे? ये देखो सिंगुलर वर्ब दिया है यहाँ पे, ठीक है? देखो ये क्या है, क्या है? नहीं, क्या है? वर्ब नाउन, फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन क्या है, फिर सिंगुलर नाउन, देखो दिख रहा है, और फिर क्या है यहाँ पे? और फिर कोई काम करने वाली का, ठीक है? यहाँ पे नहीं, मंथ, मंथ हुआ, ये न्यूमेरिकल हुआ, और ये हुआ अपना, क्या बोलते हैं उसको, वन मंथ बोल दिया सर, तो सिंगुलर नाउन हो गया ना, वो सिंगुलर नाउन नहीं हुआ, वन बोल दिया ना। हाँ, और आफ्टर,
प्रीपोजिशन, और फिर अनादर, वो भी सिंगुलर हुआ, मतलब मे के बाद में क्या आ रहा है, मे के बाद में जून आ रहा है ना, तो भाई मे में वो मे की बात कर रहा है, और फिर आफ्टर जो अनादर मतलब जून है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। तो देखो ये सिंगुलर है, ये दोनों सिंगुलर है। यहाँ टू मंथ होता तो फिर वो सिंगुलर नहीं रहता था। अ नंबर द नंबर, अ नंबर द नंबर, यहाँ पे आर्टिकल यूज कर रहा है। अ नंबर मीन्स मेनी, वो अ लिटिल और क्या था, और कौन सा था, अ लिटिल और अ फ्यू, कुछ याद ही नहीं रहता क्या, अ लिटिल अ फ्यू याद है ना, उनके मीनिंग देखो कैसे थे। तो यहाँ पे क्या है, अ नंबर का मतलब क्या है, मेनी, ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, इसके अ नंबर आ गया तो इसमें क्या आएगा, वर्ब प्लूरल ही आएगा, क्योंकि मेनी है ना, मीनिंग मेनी है। द नंबर का मतलब मीन्स डेफिनेट नंबर, मतलब 5, 3, 5 लाख करोड़, मतलब पता है हमको कितने, डेफिनेट है, मतलब 5 लाख करोड़ आ सकता है ना सर इसमें। तो एक्स ऐसे क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ये क्या हो जाएगा, मतलब एक उसको अपन ले सकते हैं एक में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब होगा। अभी आपको लग रहा था कि फाइव भी अगर है, 5 पर्सन, तो वो क्या होना था, प्लूरल आना था, नहीं, लेकिन हमने उसको कलेक्टिव ले लिया सर, 3 जज है लेकिन हमने उसको जूरी बोल के कलेक्टिव ले लिया, और वो किसके कारण, यहाँ पे द नंबर के कारण, द नंबर अगर लग गया तो तब रुका। देखो द नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट्स क्या है, कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन अगर हमने द नंबर लगा दिया तो वहां पे जो क्या बोलते हैं, ये क्या आएगा, अपना सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, सही है, सही है। यहाँ पे अ नंबर लगा दिया, और इंग्लिश बुक्स क्या है, ये इंग्लिश बुक्स क्या है, सिंगुलर है सर, सॉरी प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, ये है ना, तो यहाँ पे ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और ये भी प्लूरल आ जाएगा। अ नंबर लगा है मतलब क्या आएगा, प्लूरल, द नंबर लगा है तो क्या आएगा, सिंगुलर। फॉलोइंग इनडेफिनेट वर्ड्स रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, इनडेफिनेट वर्ड्स है, एनीबडी पता ही नहीं है, एनीबडी है ना, तो इनडेफिनेट वर्ड्स है तो उसमें क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगा, एनीबडी, एनीवन, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, समवन, अदर वन, नो वन, मच, समबडी, ये वर्ड्स आ गए तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब है ना जी, इन वर्ड्स को याद कर लो तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा वहां पे। एनीबडी आ गया तो वर्ब क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब क्या हैज, यहाँ एनीवन लग गया तो ईच है, हाँ देखना, लेकिन सिंगुलर वर्ब मतलब हैज को बोल रहा ना यहाँ पे, इज, ये इज में गेट्स सिंगुलर है, ठीक है। पहले क्या, अपन पहले ये वाला देखेंगे ना, मेन हेल्पिंग वर्ब देखेंगे ना, नहीं है तो फिर अपन मेन वर्ब देखेंगे, एवरी में बॉस। फॉलोइंग इनडेफिनेट वर्ड्स कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, अब देखो कौन सी कंडीशन जिसमें प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब विल ऑल्सो भी सिंगुलर, सब्जेक्ट पे अब डिपेंड करता है, बोल रहा है किस पे अब डिपेंड नहीं कर रहा है, वो वर्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडेफिनेट, ये जो इंडेफिनेट वर्ड है ना इस पे डिपेंड नहीं, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो तभी सिंगुलर क्या आएगा, वर्ब आएगा। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो फिर वर्ब क्या आ जाएगा, सही है। सच कॉमनली वर्ड्स आर ऑल, एनी, इनफ, मोस्ट, सम, तो ये वर्ड्स अलग है, ये वर्ड्स अलग है, ठीक है, यही वर्ड होने चाहिए, ऑल, एनी, इनफ, मोस्ट, सम, ये क्या है, एक्सेप्शन, क्या है, एक्सेप्शन वाले वर्ड है जहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पहले वाले में सब्जेक्ट सी है तो वो क्या है, सिंगुलर, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑल हर्ट,
ड्रीम्स। नहीं सर, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना ड्रीम्स है, बात ड्रीम्स की हो रही है। रूरल है तो इसलिए यहाँ पे जो आ गया। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सर? नहीं सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल जो है ना वो सब्जेक्ट हो गया सर, ऑल सब्जेक्ट हो गया सर, इसलिए है वो आया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑल है, लेकिन यहाँ पे शी तो जो है, इसलिए यहाँ पे उसने उसको क्या कर दिया, मतलब यहाँ पे ऑल शी वॉन्ट्स, उसकी जो इच्छा है वो सारी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल हर ड्रीम्स, उसके सारे ड्रीम्स, मतलब नंबर ऑफ ड्रीम्स हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे है हो गया। यहाँ पे नहीं, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट Enough has been said about that already. नहीं सर, इनफ इनफ कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट इनफ, इनफ हैज बीन सेड अबाउट सर, डैट हुआ, डैट होगा सर, डैट डैट सब्जेक्ट होना चाहिए सर। इनफ कहाँ सब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया। आई हो गया सब्जेक्ट, आई राइट अ बुक, है ना, आई राइट विद द पेन, तो पेन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इनफ तो नहीं हो सकता ना सर, तो डैट होना चाहिए ना। इनफ हैज बीन सेड अबाउट डैट ऑलरेडी, मतलब डैट के बारे में बोल रहे हैं ना। ठीक है ना, और अगला पीपल, पीपल हो गया सब्जेक्ट, पीपल क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा हो गया, ये हो गया ज्यादा, प्यार ज्यादा हो गया। व्हेन द सब्जेक्ट एंड वर्ब आर अलग कर दिया, फाइंड द सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड मेक श्योर दैट दे एग्री, इनको हमको फाइंड करना है सब्जेक्ट और वर्ब को सेंटेंस में, और मेक श्योर दैट दे एग्री, एग्री मतलब एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं क्या, कि कहीं कुछ दूसरी बात नहीं कर रहा है सब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे ऐसी बात नहीं कर रहा कि डोंकी जो है क्या क्या बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, तो ये कुछ, लेकिन बिल्ली बजा सकती है क्या? बिल्ली वो मस्त चलती है, टिन टिन टिन, वो बजाती भी है, कोई मैंने यूट्यूब पे देखा था, मतलब अच्छे धुन में बजा रही थी सर वो, उसने चल चल के मतलब समझ गया कि कौन से इस पर क्या बजता है, सच बोल रहा हूँ। हाँ, इग्नोर द वर्ड इन बिटवीन, ठीक है ना, इग्नोर द वर्ड इन बिटवीन, उनके बीच में जो वर्ड है उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट, उनके बीच में जो वर्ड्स आएंगे उनको आप इग्नोर कर दो, क्योंकि वो उनका जो एग्रीमेंट है वर्ब और किसका सब्जेक्ट का, उसके एग्रीमेंट को बिगाड़ नहीं रहे, तालमेल को। ठीक है ना, कैट वाला हो सकता है एग्जाम्पल, लेकिन बीच के वर्ड्स उसमें मतलब उसको मीनिंग को चेंज नहीं करना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स इज वेल नोन, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? नहीं, क्वालिटी तो सर एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। द क्वालिटी ऑफ दिस गुड्स इज वेल नोन, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट और क्वालिटी, हाँ सर सब्जेक्ट, क्वालिटी सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है फिर? क्वालिटी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बताओ सर, फिर ऑब्जेक्ट बताओ क्या क्या? नहीं, इसके पहले आपने क्या बोला? नोन, नोन नहीं तो गुड्स होगा ना ऑब्जेक्ट। हाँ अच्छा, वर्क चीज है ना, तो यहाँ पे मीनिंग बताओ इसका, मीनिंग सेंटेंस का मीनिंग बताओ। हाँ इन चीजों की क्वालिटी सबको पता है, अच्छे से पता है, तो यहाँ पे मतलब जो वर्ब है और जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से मीनिंग आ रहा है क्या, उनका जुड़ रहा है ना मीनिंग? ठीक है, अच्छा इस क्यों आया? इस नहीं तो वो किसी कारण आया, सब्जेक्ट के कारण आएगा ना सर,
सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तो क्वालिटीज है क्या? क्वालिटीज है क्या? नहीं ना, तो इसने तो क्वालिटीज होता तो क्या था? क्या था? आर है ना इसमें, इसमें बोलो बोलो है? क्या? तो वॉज और ये हेल्प सिंगुलर है क्या दोनों? है ना, हेल्प्स नहीं है, हेल्प है। इफ सेंटेंस कंप्राइजेज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव सब्जेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस में, तो वन इज प्लूरल, एक प्लूरल होगा और अदर एक सिंगुलर होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें डाल दी है, ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो उसमें से एक प्लूरल होगा और पक्का एक सिंगुलर होगा पक्का। द वर्ब शुड एग्री विद द पॉजिटिव, मतलब कि अगर जो पॉजिटिव वाला है और वो या तो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, तो वो उसके हिसाब से वर्ब की वो भी सिंगुलर और प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या है यहाँ पे? स्टाफ मेंबर क्या है? स्टाफ मेंबर एक है और एक है द प्रिंसिपल। अब इस दोनों में से प्लूरल कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है और सिंगुलर कौन सा है? पॉजिटिव नेगेटिव बताओ पहले, पॉजिटिव नेगेटिव बताओ। हाँ ये तो देखो ना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है ना सर। हाँ हाँ और प्लूरल और सिंगुलर, वो प्लूरल हो गया, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ये है और प्लूरल भी है, तो पॉजिटिव को ही फॉलो कौन करेगा? वर्ब करेगा। तो वर्ब क्या होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, यहाँ पे टीचर्स क्या है? प्लूरल है। और क्या है? नहीं टीचर्स और क्या है, टीचर प्लूरल है और क्या है, टीचर्स प्लूरल, प्लूरल है और क्या है? नेगेटिव है सर। तो यहाँ पे पॉजिटिव को फॉलो करेंगे और यहाँ पे वर्ब कैसा आ जाएगा? डिसाइड्स, तो सिंगुलर हो गया ना सर, पॉजिटिव है ना और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर हो गया ना वर्ब, सही है। मैनी देखो, अभी इसके पहले क्या आया था एक वर्ड, क्या आया था उसका मीनिंग मैनी था, क्या आया था? नहीं सर, उसका मीनिंग मैनी था, वो कौन सा वर्ड था वो? अ नंबर। अभी देखो क्या है, मैनी अ डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर एंड इफेक्ट सो रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। मैनी अ इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, एंड इफेक्ट, इफेक्ट दे रहा है, सो रिक्वायर्स अ सिंगुलर। इसको अगर ये आ गया तो क्या आएगा यहाँ पे? सिंगुलर मैनी अ आया, तो वर्ब देखो कौन सा है, मैनी अ आया, तो वर्ब कौन सा है? मतलब कुछ इसमें देखने की जरूरत ही नहीं ज्यादा, ठीक है। द फ्रेज कौन सा है? नथिंग बट, क्या फ्रेज है? इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर, सो ये इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, नथिंग बट के साथ क्या आएगा? तो नथिंग बट के साथ में क्या हो रहा है? सिंगुलर उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द नाउन, मतलब नाउन से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो फॉलोइंग इट इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा यहाँ पे नाउन क्या है? यहाँ पे नाउन नाउन क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, जो इज आया तो उससे ले, उससे नहीं आया वो, इसके कारण आया वो, इसके कारण आया बोला, इसके कारण ये इज आया, हिल के कारण नहीं आया। यहाँ पे नाउन क्या, क्या बर्ड, तो यहाँ पे इज किसके कारण आया? नथिंग बर्ड के कारण, ठीक है। If no precedes each of the two singular noun, singular noun जो है
दो, उसके पहले क्या आ रहा है, नो, तो फिर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हम लेंगे, क्या लेंगे, नो आ गया, बॉय क्या है, बॉय क्या है, नाउन हो गया। हाँ सब्जेक्ट हुआ लेकिन अभी नाउन चल रहा है ना, अभी नो गर्ल नाउन हो गया, तो दोनों के सामने क्या आ गया, दोनों के सामने क्या आ गया, नो, नो आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, वॉज नहीं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सेम है, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब बोलो ना, ना वॉज क्यों बोलो। इन सम सेंटेंसेस सम वर्ड्स और फ्रेजेस इन अपोजिशन आर प्लेस्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन दिस केसेस, क्या बोल रहा है, सम वर्ड्स और फ्रेजेस है वो प्लेस किसके बीच में किए गए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में। द वर्ब विल बी गवर्न्ड इन नंबर्स, वर्ब को हम किसमें बताएंगे, नंबर्स के रूप में, एंड पर्सन्स बाय द सब्जेक्ट नंबर्स एंड पर्सन, मतलब पर्सन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक ही है। देखो कैसे, यू माई फ्रेंड आर नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन कौन से हैं, यू है, माई फ्रेंड है, हो गए आर नॉट गिल्टी, है ना, दो हो गए, और क्या है इसमें देखना था अपने को, हाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में वर्ड्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट ये है, एक मिनट, प्लूरल वर्ब था क्या, नहीं वर्ब बताया नहीं है, यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब वो तो हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, आर नॉट गिल्टी ऑफ, गिल्टी क्या हो गया, तो नहीं गिल्टी तो एडजेक्टिव हो गया, और मिसकंडक्ट क्या हो गया, वो हो गया वर्ब, मिसकंडक्ट करते हैं ना, गिल्टी होना तो मतलब वो गिल्टी का मतलब होता है कि अपराधी साबित हो जाना, तो अपराधी अपराध करना वो अलग है और अपराधी होना अलग है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्ब को जो बता रहा है किसके जैसा बता रहा है, नंबर के फॉर्म में, तो ये तो क्या है, यू एंड माई आर नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो आर जो है ना वो नंबर की तरह बता रहा है, क्यों, क्योंकि वो प्लूरल है, प्लूरल है मतलब कि यहाँ पे जो ये दो नाउन है वो क्या है, नंबर में है, ठीक है, तो आर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, नंबर के फॉर्म में, यहाँ पे यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ लिखा है, ये नहीं सर, ये है एम, ठीक है, तो यहाँ पे आई मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, एम मतलब हम दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो ये जो एम है और आर है ये दोनों को एक साथ ले ले रहा है, तो यहाँ पे इसलिए, और ये किसके बीच में आ रहा है, सब्जेक्ट और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, जो गिल्टी है ना, प्रेडिकेट ये है, प्रेडिकेट यहाँ पे प्रेडिकेट ये है, ठीक है, तो इनके बीच में ये सब्जेक्ट और इसके बीच में ये क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और जो क्यू नंबर के जैसे बता रहा है इनको, है ना, यू माई फ्रेंड और आई मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, नंबर के जैसे बता रहा है, ठीक है ना। द रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन से लेकिन रिलेटिव में, ठीक है, हु हुम विच डैट, ये क्या हो गया, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स दे रिफर टू, उनके साथ में जो वर्ड्स यूज होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हुम और ये जो है ना ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इफ द वर्ड रेफर्ड इज सिंगुलर, अगर इसके साथ जो वर्ड है, ये जो वर्ड इसके साथ में यूज हुआ है वो क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, अदरवाइज प्लूरल, अब इसमें हु आ गया है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसमें वो वर्ड कौन सा यूज हुआ है, और अच्छा इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब पहले वर्ब बताओ, वर्ब वर्ब बताओ, वर्ब कौन सा है, नहीं वर्ब, हाँ
ये भी हुआ और ये भी हुआ, ठीक है। तो लेकिन अभी इसमें वो वर्ड कौन सा है जो बता रहा है कि ये इज और एम सिंगुलर आया है, ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है, इसमें भी देखो ये बता रहा है, इसी कारण इज आया, वो है तो वही इज आया, ठीक है ना। यहाँ भी देखो द वुमेन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर द वुमेन हु आर स्टैंडिंग देयर आर माय सिस्टर्स, सिस्टर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, द वुमन हु इज इन बैग सारी इज माय वाइफ, मतलब ये जो है और ये जो है सेम है। यहाँ पे द वुमेन हु आर स्टैंडिंग देयर आर माय सिस्टर्स, वुमन तो बता रहा है एक ही है लेकिन ये कई सारे हैं, तो समझा क्या? हाँ देखो ये सी वाले देखो, तो वुमन जो है ना उसी मेरी वाइफ है, वाइफ हो सकता है क्या? हो सकता है ना सर, इसमें हो सकता है ना, हो सकता है ना, चार मेरी वाइफ हो सकती है ना सर। तो यहाँ पे लेकिन है क्या? नहीं ना, यहाँ पे ये वो नहीं है, और यहाँ पे तो वुमन बता रहा है एक ही है लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, वो सिस्टर्स है, मतलब उस पूरे सिस्टर को एक वुमन बोल दिया उसने, तो इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे आर ऐसे आया, ठीक है। इन अबव सेंटेंस द वर्ब इज गवर्न बाय द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, डेट कम्स बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन समझ गया, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं हु है ना, तो उसके पहले क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, वर्ब इज गवर्न बाय द एंटीसीडेंट, ठीक है। इन्वर्शन इज यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन्वर्शन देखो कैसे होता है, व्हेन अ सेंटेंस बिगेन विथ हार्डली रेयरली, कोई सेंटेंस अगर हार्डली रेयरली स्केयरली सेल्डम नेवर लिटिल लिटिल, ये इसके साथ यूज हो रहा था, इन्वर्शन हम यूज करेंगे, जैसे हार्डली है तो देखो यहाँ पे क्या आना था, इसको वो बोलो हार्डली शी डज, ऐसे करके पढ़ो बरा, नहीं नहीं डज नहीं, हार्डली शी डज पढ़ो, कैसे पढ़ रहे हो सर, हार्डली के बाद में तुम शी पढ़ो फिर उसमें डस पढ़ो उसके बाद में, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा आप हार्डली को हटा दो और शी डस करके पढ़ो, सिर्फ हार्डली को हटा दो और शी डस करके पढ़ो, तो क्या लग रहा है, सही लग रहा है क्या, शी डस गो टू चर्च, शी डस गो टू चर्च, ये सही है, लेकिन अगर हार्डली लगा देते तो वो उल्टा करना है, डस शी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सेल्डम अगर लगा दिया तो जैसे इसको हटा दो और आई हैड करके पढ़ो, आई हैड करके पढ़ो, सही लग रहा है ना सेंटेंस, लेकिन अगर सेल्डम आ गया तो क्या हो जाएगा, हैड आया हो जाएगा, समझ गए, इसको बोलते हैं इन्वर्शन, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब, वर्ब कौन सा है, वर्ब यहाँ पे वर्ब नहीं, मेन वर्ब हो गया ना, ये हो गया ना वर्ब है ना, ऐड हो गया, तो ठीक है ना, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हार्डली और सेल्डम हो गया ना सर, ठीक है, तो इन पे डिपेंड करेगा कि इस पे क्या आएगा, ठीक है। तो हार्डली के साथ डस आता है, सेल्डम के साथ में ऐड आ रहा है, यहाँ पे यूज ऑफ कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली यहाँ यूज किया है बट ऑल्सो यहाँ यूज किया है, बीच में लेकिन शी आया है, ठीक है। नॉट ओनली डज बट ही ऑल्सो, इसका मतलब समझ रहा है कि जब सामने बट ऑल्सो आएगा तो उसमें क्या आ रहा है, उन दोनों के बीच में प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। कंजक्शन क्या यूज हुआ है, कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, नहीं मालूम, कंजक्शन यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो ही है, ठीक है, ये सेंटेंस जोड़ रहे हैं, ठीक है। विथ नो सुनर, नो सुनर अगर आ रहा है तो फिर क्या आ रहा है, फिर से इन्वर्शन हो रहा है क्या, नो सुनर हटा दो और शी हैड से बोलो, शी हैड से पढ़ो, शी हैड है ना, तो नो सुनर आया तो क्या हो जाएगा, इन्वर्शन, हैड शी, यहाँ पे हो गया ना उल्टा, वो भी तो
क्या होना था, ही डिड सी द, है ना, तो नो सुना है तो क्वेश्चन में ऐसे आएगा, अगर नो सुना और ऐसे वर्ड्स आ गए ना, मतलब कि वहां उल्टा करना है, और वहां पे नहीं का सीधा दिया रहेगा, हाँ, और अपने उल्टा करना है। इन सेंटेंस बिगिनिंग विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, कौन सा फ्रेजेस है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन कंडीशन, एट नो टाइम, अगर ये सब आते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा फिर यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या होगा, इन्वर्शन। यहाँ पे क्या यूज हुआ पहले सेंटेंस में, अंडर नो सर्कमस्टेंस, तो देखो क्या हो गया, शाल आए, होना क्या था, आई शाल, तो अपन ने क्या किया, इन्वर्शन किया। यहाँ पे देखो विल शी, क्या होना था, शी विल, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑन नो कंडीशन है, यहाँ पे ऑन नो कंडीशन विथ एडवर्बियल एक्सप्रेशन विथ ओनली, एडवर्बियल मीन्स, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब, नहीं क्या, क्रिया की विशेषता बता रहा हूं, तो किससे बता रहा, विद एडवर्ब एक्सप्रेशन विद ओनली, ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली लास्ट फोर्टनाइट, ओनली आफ्टर अ मंथ, ईयर, ओनली देन, ओनली इन दिस वे, ओनली व्हेन, ओनली बाय डूइंग दिस, ओनली इन अ फ्यू, स्कूल, कॉलेज, कंट्री, मतलब ओनली आना चाहिए इनमें, देखो सब में ओनली है, ठीक है, तो अगर आ गया ओनली यस्टरडे, यहाँ पे क्या बोला है, क्या आएगा, डिड ही, इनवर्स हो गया, इनवर्स हो गया, यहाँ पे डिड ही, ओनली बाय टेकिंग रिस्क, तो डिड ही हो गया, ये वर्ड्स आएंगे तो यहाँ इन्वर्शन कर देना है, ठीक है, मोर देन वन, मोर देन एक से ज्यादा, थ्रू इट सेंस इज नेसेसरी प्लूरल, अगर ऐसा सेंस आ रहा है कि एक से ज्यादा बता रहा है तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, उसका मतलब भी क्या होगा, प्लूरल, तो इसको ट्रीट कैसे करना है, सॉर्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ वेम, लेकिन इसको हमको एक ही मानना है, मोर देन वन बोल रहा है, लेकिन उसको एक ही मानना है, तो फॉलोइंग इट्स कंस्ट्रक्शन एग्रीज विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, इसके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर नाउन और, मतलब उसको भी सिंगुलर नाउन समझना है और वर्ब भी जो सिंगुलर वन, लेकिन अगर मोर देन वन आ रहा है तो भी ये वर्ड जो है ना मोर देन वन, इसको हमको सिंगल लेना है, ठीक, मोर देन वन आ गया, तो इसके बाद क्या है, ये वर्कर क्या है, वर्कर नाउन, सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब, इसको फिर से यूज किया मैंने तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, देखो क्या है, मोर प्लस नाउन प्लस देन वन, ये शायद अगला है कि यही है, पता मोर नाउन क्या है यहाँ पे, वर्कर नहीं, ये अलग है, ठीक है, या नेक्स्ट है, मोर पहले आएगा फिर नाउन आएगा, मतलब मोर के बाद क्या आएगा, वर्कर, उसके बाद क्या आएगा, देन वन, मतलब वर्कर को हम इसके बीच में घुसा रहे हैं, मोर नाउन देन वन हो गया, और हैव क्यों आया हूं यहाँ पे, नहीं सर ये प्लूरल है सर, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा, अगर मोर और देन के बीच में क्या डाल दूंगा, नाउन, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, इसके पहले क्या आ रहा था, ठीक है, क्या देखो, मोर नाउन देन वन प्लूरल वर्ब, सही है, सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय एस, कुछ वर्ब किससे फॉलोड होंगे, एस से, जैसे कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रेट, एपिक, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट एस, ठीक है ना, तो यहाँ यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है इसमें से, यहाँ पे रिगार्डेड एस, रिगार्डेड हिम एस, यहाँ पे डिस्क्राइब बाय हिज वाइफ एस, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, एक मिनट, नहीं यहाँ पे ये तो वर्ब हो गया रिगार्डेड और डिस्क्राइब, ठीक है, मेन वर्ब, तो दोनों में हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं कि प्लूरल कर रहे हैं, वर्ड वर्ब यूज, वर्ब सिंगुलर कर रहे हैं कि प्लूरल कर रहे हैं, नहीं सर, यू है ना, यू, यू के लिए हमने क्या यूज किया, तो यू का मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है,
सिंगुलर नहीं होगा ना सर, सिंगुलर नहीं होगा, दोनों होता है यू का मतलब, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ देखो सर बैठे थे यहाँ पे, मैं बोलता हूँ यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, और अगर सर नहीं है और तभी बोल रहा हूँ यू हैव टू राइट, सही है। यू मतलब दोनों के लिए है और सिंगल के लिए भी है, तो यहाँ पे हमको उसको प्लूरल लेना पड़ता है ज़्यादातर के, तो हमको प्लूरल लेना पड़ता है लेकिन यहाँ ज़्यादातर यू अगर आ गया मतलब प्लूरल समझो उसको, क्या है मैक्सिमम प्लूरल है। और यहाँ ही नहीं, ही क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा सिंगुलर, सही है। वर्ब सच एज नेम, कॉल, टर्म, थिंग, कंसिडर, नॉमिनेट, अपॉइंट, ये जो वर्ड्स है उसको किसके बाद, एस नहीं आएगा उसके बाद में, ये वर्ड्स के बाद में क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे नॉमिनेटेड, एस आया क्या, नहीं आया ना। तो यहाँ पे चेयर, यहाँ पे वर्ब क्या लिया है, चेयरमैन नॉमिनेटेड, यहाँ वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे पहले वाले, वर्ब है नॉमिनेटेड है, वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे कॉल्ड वर्ब है क्या, वर्ब कॉल्ड वर्ब है, ठीक है, ठीक है ना, कॉल्ड वर्क है, वर्ब है, इम प्रोनाउन, वर्ब एक्ट एंड पास आर फॉलोड बाय एस, ठीक है ना, इनके साथ में क्या आएगा, एस आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्टेड एस, पास्ट एस, ठीक है, इनके साथ में एस आएगा।